जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है संगत जी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिखकर या रिकॉर्ड कर या फिर टाइप कर कैसे भी भेज सकते हैं संगत जी। जिस भी माध्यम से आप भेजेंगे वैसे ही सारी साथ संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप रिकॉर्ड करें या आप लिख कर भेजें, तो थोड़ा सा जब रिकॉर्ड करें तो पीछे से अब भी थोड़ा सा शांत माहौल में रिकॉर्ड करिए, ताकि मुझे आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई दे। और जब आप लिख कर भेजते हैं तो प्लीज़ साफ लिखाई में भेजिए, ताकि जो भी आप अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रहे हैं वो मैं संगत जी के साथ उसको क्लियरली शेयर कर सकूँ, और जो आप लिख रहे हैं मैं वैसे ही सब बता पाऊँ, कुछ मेरे मुँह से कुछ गलत ना निकले और सत्संग गलत ना हो। संगत जी, आपको अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे शेयर भी करें संगत जी, क्योंकि और भी संगत है जो गुरु जी के साथ जुड़ पाए और उनको उनकी महिमा का पता लग सके। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने रिकॉर्ड कर भेजा है। उन्होंने कुछ टेस्ट कराए हैं, एक सत्संग उनका टेस्ट कराने के पहले का है और एक सत्संग गुरु जी की महिमा होने के बाद उनका सत्संग टेस्ट कराने के बाद का है। संगत जी, मैं दोनों सत्संग उन्हीं की जुबानी आपको सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो मेरा सत्संग शेयर करे उनका भी शुक्रिया, जो मेरा सत्संग सुने उनका भी शुक्राना। मैं अपना मंत्र पहली बार शेयर करने जा रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं अब मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी 15 दिन ही हुए हैं। मैं पहले गुरु जी से नहीं जुड़ी हुई थी, गुरु जी ने मुझे अभी 15 दिन पहले ही जोड़ा है अपने आप से। वैसे तो 15 दिन में मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसी चीज़ें हुई हैं, पर मैं फिर भी थोड़ी थोड़ा छोटे छोटे सत्संग में अपनी ज़िंदगी के जो चमत्कार गुरुजी से हुए हैं वो बताना चाहूँगी। पहला, गुरुजी मेरे और मेरे हस्बैंड की आपस में नहीं बनती थी। वो और मैं जब भी आपस में बोलते थे तो हमारे बीच जब भी लड़ाई हो जाती थी, और वो लड़ाई भी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी का जल प्रसाद देने लगी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी इन हम दोनों के बीच सब ठीक करिए। गुरुजी ने सुना, अब वो ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, पर मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ या वो जो बोलना चाहते हैं, बिना लड़ाई हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, इन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। डॉक्टरों ने मतलब उन्हें अभी एडमिट के लिए बोला है। उनकी उम्र ज़्यादा है, पर उनको डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको इमीडिएटली अभी एडमिट कर दो। हमने उनकी बात, उस वाले डॉक्टर की बात नहीं सुनी। हमने सोचा हम एक जिस डॉक्टर से हम पहले ट्रीटमेंट लेते थे, हम उनके पास लेके जाएंगे। हम उनके पास मम्मी को लेके गए तो उस डॉक्टर ने ये बोला, इनकी रिपोर्टें तो सारी ख़राब हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी रिपोर्टें ख़राब होने के बाद भी पेशेंट अपने आप पैदल चल के कैसे आ रहा है। मतलब संगत जी, आप मानोगे नहीं, मम्मी की रिपोर्टें, उनके लंग्स में दिक्कत है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनकी हार्ट बीट प्रॉब्लम आ रही है, उनको
शुगर भी आ गया, जो कि उनके पहले कोई बीमारी नहीं थी, पर उनको एक साथ सारी दिक्कतें आ गई हैं। तो हम उनको गुरुजी का जल प्रसाद पिला रहे थे, सारा दिन गुरुजी के सत्संग भी सुन रही हैं। जब डॉक्टर से हमने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये बंदा इतनी दिक्कतों के बाद भी अपने पैरों से चल के हॉस्पिटल में आया है। डॉक्टर ने हमें ये बोला कि मुझे यकीन ही नहीं है, फिर भी उन्होंने उनको टीवी की दिक्कत बताई है, पर फिर भी डॉक्टर ने ये बोला आप इनको एडमिट मत करो, पहले आप एक टेस्ट करवाओ, फिर वो रिपोर्ट मेरे पास लेके आना, फिर मैं बताऊंगा कि इनका क्या करना है, एडमिट करना है या घर पर ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर अगर कोई घबराने की बात हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। डॉक्टर ने बोला आप सिर्फ टेस्ट कराइए, और इनकी इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी इतने ठीक हैं, हमें यकीन ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा हमारे साथ हैं गुरुजी। संगत जी, आप सबसे मेरी यही अरदास है, आप मेरी मम्मी के लिए प्रे करिए कि वो ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। और गुरुजी, मैं अपना जो ये सत्संग शेयर करे उन आंटी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा जो सत्संग शेयर करे उन आंटी जी का भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर सभी डॉक्टर ये कह रहे थे कि इनकी सारी चीज़ों में दिक्कत है, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, पीलिया, नमोनिया, और यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने तो हमें ये भी बोला कि इनको टीवी की शिकायत भी हो सकती है। पर फिर उन्होंने ये कहा कि आप एक ये टेस्ट कराइए, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उससे डिसाइड होगा कि इनको एडमिट करना है या घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाएगा। गुरुजी, हमें आप पे पूरा पूरा विश्वास था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे। हमने मम्मी को आपका जल प्रसाद पिलाया। मम्मी ने आपके सारे दिन सत्संग सुनती थी, सारा दिन आप में विश्वास रखती थी। वो टेस्ट करवाने गई मम्मी, रिपोर्ट जब हमने दूसरे डॉक्टरों को दिखाई तो उसने यही कहा कि रिपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर हमें विश्वास था गुरुजी पे पूरा पूरा। गुरुजी, अभी अभी हमने मम्मी की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई है तो डॉक्टर ने ये कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बस चेस्ट में हल्का सा इन्फेक्शन है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमारे आसपास ही है, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी धन्यवाद गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु।